देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 21 अगस्त 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 17 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 14 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 186 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 758 नए मामले सामने आए हैं, 767 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 9635 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 57 नए कोविड 19 मामले, 86 रिकवरी और 4 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 538 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 21 नए कोरोना के मामले, 16 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 675 हैं। नंबर पांच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 409 नए मामले सामने आए हैं, 453 लोग डिस्चार्ज हुए, इस दौरान 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 6865 हैं। नंबर छह, आसाम में आज कोरोना के 708 नए मामले, 734 डिस्चार्ज और 13 मौतें रिपोर्ट हुई हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 6910 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1453 नए मामले सामने आए हैं, 1408 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 17 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, कुल सक्रिय मामले 21161 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं और 24 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 333 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 1668 नए मामले सामने आए हैं, 1887 लोग ठीक हुए हैं और 24 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 19621 है। नंबर दस, पांडिचेरी में आज 97 नए कोरोना के मामले, मौतें कोई भी नहीं और 105 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की संख्या 963 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 114 लोग ठीक हुए हैं, 2 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामले 906 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1435 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1695 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है, सक्रिय मामले 15472 हैं। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 12 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 155 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,224 नए मामले सामने आए हैं और 17,142 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 99 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,82,303 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 8 नए कोरोना संक्रमण के मामले, कोई भी मौत नहीं, 8 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 95 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 35 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 13 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामले 236 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 155 नए मामले सामने आए हैं और 401 लोग डिस्चार्ज हुए, इस दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 2413 है। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 372 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1570 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 7 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 4303 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 11 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 21 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 168 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 986 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 926 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 69 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 8652 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 89 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 184 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 1407 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4365 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 6384 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 105 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 55454 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं और 23 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 408 है, कल कोविड से 2 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई थी। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 57 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 86 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और किसी की मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 459 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 125 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 217 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 की मृत्यु दर्ज की गई है और सक्रिय मामले 1470 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 48 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 75 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 931 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 159 नए कोरोना के मामले, 126 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1141 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 232 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 276 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 3373 हैं।
नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 522 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1223 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। सक्रिय मामले 6399 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।